मार्केट्स पे आज लोअर लेवल्स पे फिर से बैंड डिप्स की मार्केट है, एक रेंज में शुरुआती सतह में हो सकता है गुजार दे बाजार, लेकिन फ्यूचर लाइफस्टाइल कॉक्स एंड किंग्स आईसीआईसी बैंक जैसे शेयर्स पे आप फोकस करें, इनमें तेजी बनाने की सलाह रहेगी। बतौर ईपीएस शेयर मैंने मोल्टेक पैकेजिंग को उतारा है, टारगेट है 304, स्टॉप लॉस 290 और थर्मेक्स पे आज का टारगेट है 913, स्टॉप लॉस 892 कैरी करना होगा। मैंने शुरुआत करी थी इन्फोसिस के साथ, बिकवाली करके चले, बायबैक का प्राइस शायद डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, 900 रुपए का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, लेकिन एक्सिस बैंक और पीएनबी रोजनेफ्ट और एसआरएफ की अगर डील पूरी होती है आज तो बैंकों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। एक्सिस बैंक में 500, पीएनबी में 146.50 का टारगेट लेके खरीदारी करें। बतौर ईपीएस मैंने रिलायंस कैपिटल को उतारा था, निपॉन लाइफ का जो आईपीओ आ रहा है इनका, रिलायंस निपॉन लाइफ का, वही बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर, 800 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन इसी स्पेस से बिकवाली करके चले, एनसीएलटी के ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं इनके क्रेडिटर्स, 23.40 का टारगेट प्राइस होगा, 24.50 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए अब आगे के स्टॉक्स की बात करते हैं, 10 स्टॉक्स तो आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन अगला स्टॉक जो मेरी लिस्ट में वो भी खरीदारी का ट्रेड है, प्रेस्टीज एस्टेट, इस काउंटर पे आप नजर रख के चले। देखिए नंबर्स आए थे जब इस कंपनी के, उसके बाद से देखिए लगातार जो चाल है वो पॉजिटिव है इस काउंटर की, और HSBC ने जो टारगेट प्राइस है उसे 260 से बढ़ाकर 285 रुपये किया है। यही नहीं, बीते हफ्ते CLSA की भी रिपोर्ट आई थी नंबर्स के बाद, उन्होंने अपनी जो खरीदारी की राय उसे बरकरार रखा था और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 324 रुपये किया था। तो जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने रिपोर्ट किए उसके बाद से ब्रोकिंग हाउसेज का जो कन्विक्शन है वो इस काउंटर में बढ़ता जा रहा है, और टारगेट प्राइस जिस तरह से वो इंक्रीज कर रहे हैं, हो सकता है जो चाल है वो आने वाले समय में पॉजिटिव रहे। 270 का टारगेट प्राइस लेकर इसमें खरीदारी करें, 262 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस भी आज हो सकता है कि ट्रेंड में एक्टिव रहे, क्योंकि शुक्रवार को क्रूड में करीब 3% के आसपास का अपमूव देखने को मिला था, WTI क्रूड 48.50 के पार पहुंचा है। BPCL में हो सकता है कि आज अपमूव देखने को मिले, 2% के आसपास गेंस फ्राइडे को भी थे। देखिए ये जो क्रूड में बढ़त अगर आती है तो जाहिर सी बात है ये जितनी भी रिफाइनिंग स्पेस की कंपनीज हैं उनके लिए जो इन्वेंट्री गेंस है उसकी उम्मीद बढ़ाती हुई दिखेगी Q2 के नतीजों में। वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि पूरे जो MC स्पेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बज़ देखने को मिल रहा है। आज मुझे लगता है कि BPCL में 515 तक के जोन देखने को मिल सकते हैं, 498 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक स्टॉक है एप्टेक जिस पे आप नज़र रख के चलें, और ये पिछले सत्र में एक्टिव हुआ, जी बिजनेस में बताया गया था कि ये स्टॉक एक्टिव होगा, लेकिन अंतिम सत्र में खरीदारी जो थी वो बढ़ गई और वॉल्यूम्स के साथ लगातार तीसरे महीने शेयर में तेजी है, और नॉन कोर एसेट्स बेचकर भी रकम जुटाने पर कंपनी का फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज के लिए चला 238 तक के टारगेट्स ओपन है, 225 का एक स्टॉप लॉस आपको एप्टेक पे लगाना होगा। नेक्स्ट स्टॉक है GETND जिसमें आप खरीदारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सभी एवरेजेस के ऊपर है, 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स लगभग 54% के आसपास के हैं, और क्वार्टर वन मुनाफा जो था उसमें तगड़ा जंप था, 61% के आसपास का वाई बेसिस पे ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया। आज के लिए जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट होगा वो 390 से 392 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 377 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा ट्रेड पे। एक छोटा स्टॉक है किल्बन इंजीनियरिंग, इस पर आप आज नज़र रख के चले, मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा अप मूव इस काउंटर में आज देखने को मिल सकता है। देखिए ओवर द वीकेंड ऐसी खबरें निकल के सामने, डिस्क्लोजर में अगर देखें BSE पे तो इनके एक प्रमोटर ग्रुप हैं अमित अंशु खेतान, उन्होंने 17 अगस्त को करीब 0.12% इक्विटी जो है इस कंपनी की खरीदी है, प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा है वो, और अब अगर आप देखें जो प्रोमोटर ग्रुप का हिस्सा है इस कंपनी में बढ़कर 58.66% पहुंच गया है। तो अगर प्रोमोटर्स खुद अब कंपनी में खरीदारी करते हैं तो वो दर्शाता है कि कितना कॉन्फिडेंस उनको है और ग्रोथ स्टोरी को लेकर किस तरह के प्रॉस्पेक्ट हैं इस कंपनी के। तो किल्बन इंजीनियरिंग जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, और चूंकि कम बातचीत होती है इस कंपनी को लेकर, मुझे लगता है कि जिस तरह का न्यूज़ फ्लो हो सकता है कि आप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। 65.5 पहला टारगेट होगा आज के लिए, अगर आपको ये लेवल स्क्रीन पर दिखें फर्दर अपसाइड के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, लेकिन शुरुआती कारोबार में 63 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। अगला काउंटर जो मेरे लिस्ट में है वो फ्राइडे का एक स्टार परफॉर्मर है डिश टीवी, SL समूह की कंपनी जिसके माध्यम से आप एक चैनल देख रहे हैं, डिस्क्लोजर है सबसे पहले, लेकिन फ्राइडे को मूव देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था, 5.5% के आसपास ही गेंस देखने को मिले थे, और जो रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से देखिए ब्रोकिंग हाउसेज का जो कन्विक्शन है वो बेहद स्ट्रॉन्ग है। 4 ब्रोकिंग हाउसेज इन्होंने बाय रेटिंग इस काउंटर के ऊपर दी थी, मोतीलाल ओसवाल ने 106 रुपये, IDFC ने 97, CLSA ने भी 97, और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने तो 110 तक जो टारगेट प्राइस है वो सुझाए हैं। तो यहाँ से अच्छा खासा शायद जो अपसाइड की जो गुंजाइश है वो ब्रोकिंग हाउसेज को लगता है कि ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। आज के लिए मुझे लगता है कि जो मोमेंटम सस्टेन करता है वो दिखेगा, 80 रुपये का शुरुआती कारोबार में टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको लेवल स्क्रीन पर दिखें, लेकिन 70-30 ये आपका स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए दिन के दौरान। बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे नजर रख सकते हैं, बहुत काउंटर स्पेसिफिक मार्केट पे कुछ चुनिंदा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। पिछला हफ्ता बहुत बेहतर था, 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुल बैक देखने को मिला, सस्टेन हो सकता है इस पर्टिकुलर वीक में भी, लेकिन आज के लिए जो टारगेट है वो है 338, स्टॉप लॉस 326 का बजाज इलेक्ट्रिकल पे आपको लगाकर चलना है। और दूसरा स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए नतीजों के बाद स्टॉक में एकदम से तेजी जो बढ़ रही है, हालांकि नतीजे इतने एक्साइटिंग नहीं थे वैन वाई बेसिस पे, लेकिन आप गिरते बाजार में देखिए 4% के रिटर्न दिए स्टॉक ने, और इस स्टॉक में एक जो बाइंग हुई वो डिलीवरी बेस्ड थी, 41% के डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर रजिस्टर हुए, सभी एवरेजेस के ऊपर निकला, 89 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें, 96 से 97 तक के टारगेट्स SCI पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकते हैं वो आज के सुपर हिट शेयर्स देखते हैं।
ऑफशोर कंपनियां जो थी पिछले हफ्ते के स्टार्ट में कुछ एक्टिव जरूर हुई थी, हो सकता है कि इस हफ्ते की शुरुआत काफी बेहतर हो एक्सप्लोरेशन कंपनियों में, ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनियों में। एक्सप्लोरेशन स्टॉक है सिलान एक्सप्लोरेशन, जिस पे आपको नजर रख के चलनी है। यहां पर एक हो सकता है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कोई बड़ी अनाउंसमेंट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के संदर्भ में, हो सकता है उसमें बायबैक का भी कुछ अनाउंसमेंट हो। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर है, कोई बहुत अभी तक मैनेजमेंट ने इसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन यहां पर तेजी एक्सपेक्टेड है, इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। टारगेट्स आप 178 तक के एक्सपेक्ट करें आज सिलान में, 165 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना। अरे आपने मेरा स्टॉक देख लिया था क्या? मेरा भी इसी स्पेस से काउंटर है, जो इसी जिसे आप हिंदुस्तान एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम से। इस काउंटर में लगता है कि काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। देखिए पूरा जो स्पेस है वो शायद लाइमलाइट में रहे, क्योंकि क्रूड में जिस तरह से शुक्रवार को चाल देखने को मिली थी, यूएस में रिग काउंट कम हो रहा है उसका इंपैक्ट था, और उसके साथ साथ डॉलर में जो कमजोरी है उस वजह से क्रूड में एक अपमूड मूव देखने को मिला था, जिस वजह से हो सकता है जितनी भी एक्सप्लोरेशन स्पेस की कंपनीज है उनमें काफी अच्छा अपमूव देखने को मिले। और HOEC मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अट्रैक्टिव है बाकी कंपनीज के मुकाबले। 80 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 75 रुपये 20 पैसे ये आपको दिन के दौरान स्टॉप लॉस रखना होगा। तो सभी 20 स्टॉक जो है वो आपके सामने रख दिए गए हैं, जिसमें कुछ खरीदारी और बिकवाली के ट्रेड्स भी हैं। शुरुआत मैंने करी थी बिकवाली के ट्रेड के साथ ही, इन्फोसिस जो बायबैक का प्राइस 1150 का शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, आज 900 का टारगेट लेकर बिकवाली करें, 933 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। एक्सिस बैंक और PNB रूज नेफ्ट के साथ जो SR की डील है उसका अगर अनाउंसमेंट होता है तो बैंकिंग स्पेस के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इनके जो बड़े जो कर्ज है वो शायद वापस आता है वो दिखेगा। एक्सिस बैंक में 500, PNB में 140-50 का टारगेट लेके चले, दोनों के करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सपोजर है। बतौर EPS मैंने रिलायंस कैपिटल को उतारा है, रिलायंस निप्पन लाइफ का IPO आ सकता है, इसको लेके काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा, 800 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं, NCLT का जो ऑर्डर आया था पिछले हफ्ते उसको इनके दो क्रेडिटर्स जो है वो चैलेंज कर सकते हैं, 23-40 का टारगेट प्राइस होगा, 24-50 का स्टॉप लॉस रखें। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस काफी पॉजिटिव हो रहे, लगातार इनके जो टारगेट प्राइसेस हैं उनको रिवाइज किया जा रहा है, 270 का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। BPCL क्रूड जिस शुक्रवार को चढ़ा है उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आ सकता है, 515 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। किल्बन इंजीनियरिंग एक छोटी कंपनी है, प्रमोटर ग्रुप स्टेक बढ़ा रहा है वो पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 65.5 रुपये का टारगेट प्राइस। डिश टीवी फ्राइडे का स्टार परफॉर्मर था, आज भी मोमेंटम सस्टेन करा तो 80 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और बतौर सुपरहिट HOEC एक्सप्लोरेशन स्पेस आज एक्टिव रहेगा, क्योंकि क्रूड तेज हुआ था, 80 रुपये का टारगेट प्राइस, 75-20 का स्टॉप लॉस। फ्यूचर लाइफस्टाइल पहला शेयर है मेरे पोर्टफोलियो में जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 10 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है ये स्टॉक, आज के लिए टारगेट है 370, स्टॉप लॉस 354। कॉक्स एंड किंग्स 280 के टारगेट के लिए खरीदें, 270 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ICICI बैंक पे आज ट्रिगर ये है कि ब्याज दरें घटाई हैं, 50 लाख के कम के डिपॉजिट्स पे ब्याज दर घटकर 4% से घटकर 3.5% हो गई है, आज तेज हो सकता है ICICI बैंक। 299 का टारगेट, 291 का स्टॉप लॉस। बतौर EPS शेयर बोल्टेक पैकेजिंग उतारा है मैंने पोर्टफोलियो में, 304 के टारगेट के लिए खरीदें, 290 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। थर्मेक्स पे आज खरीदारी करते हैं तो लक्ष्य है 913, स्टॉप लॉस 892 का अपने ट्रेड पे लगाना होगा। इसके अलावा एपटेक और GETND ये दोनों स्टॉक्स तेजी की साइड पे ही आज आप चुनें, एपटेक पे टारगेट 238, GETND पे 390 का टारगेट रहेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में खरीदारी हो रही है। बजाज इलेक्ट्रिकल 3 हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुलबैक शो कर रहा है, 338 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 326 का स्टॉप लॉस रखें। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे आज 96-97 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। बतौर सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में सिलान एक्सप्लोरेशन को उतारा है, इस स्टॉक में भी खरीदारी की जा सकती है। चलिए तो ये 20 स्टॉक्स आपको बता दिए गए हैं, ज्यादातर स्टॉक्स खरीदारी की साइड पे ही हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद शेयर बाजार लाइव होगा, लेकिन 9:30 बजे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव कवरेज है रुचिर शर्मा के साथ, आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें बाजार की वैल्यूएशन को लेकर जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, कौन से सेक्टर्स या फिर इकोनॉमी की दिशा क्या होगी आने वाले समय के लिए उस पर भी खास बातचीत रुचिर शर्मा से। मॉर्गन स्टैनली का व्यू क्या है अब मार्केट्स को लेकर, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स को लेकर, वो आपको बताया जाएगा 9:30 बजे, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा 12:00 बजे, 4:30 बजे और इसके अलावा 10:00 बजे भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं सिर्फ जी बिजनेस पर।